छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कोरबा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांतीय आवाहन पर अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कोरबा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी दो सूत्रीय मांगों को पूरा कराने कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ का कहना है कि भूपेश सरकार के अड़ियल रवैया के कारण अधिकारी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। अगर जल्द ही मांगे पूरी नहीं होती तो 11 से 13 अप्रैल के बीच रायपुर मुख्यालय पहुंचकर पैदल मार्च करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आर के शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष। सर ये बताएंगे यहाँ कलेक्टर आप क्या ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे? हम लोगों की वही मांग है कि जो है 31% दिया जाए और महंगाई भत्ता जो है दिया जाए और 1000 रुपये हम लोग को मेडिकल भत्ता दिया जाए। पेंशनधारी कल्याण संघ की मांग है। साथ ही सबसे प्रमुख मांग जो है 49(6) जो है उसको हटाया जाए, जिसके कारण से हमारे दिए के लिए बहुत बड़ा बाधक है। मैं श्रीमती देवी कापे हूँ और अपना छत्तीसगढ़ यूपी विभाग में संघ की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा बताएं किस बात मुद्दे को लेकर आप लोग ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर में? 14% डीए की मांग कर रहे हैं और एचआर जो है हमारा जो छठवें वेतन मान पे दिया जा रहा है वो 7वें वेतन मान पे दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आप कहाँ तक जाएंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर 11 अप्रैल से रायपुर में धरना देंगे। ठीक है। मैं जगदीश खरे प्रांतीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक संघ एवं संयोजक शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जिला कोरबा के संयोजक। सर ये बताएंगे कि मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपने आज हम लोग प्रांतीय निकाय के आह्वान पर दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज हम लोग भोजन अवकाश में पूरा प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम मांग है 14% महंगाई भत्ता दिया जावे और दूसरा गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाए। दो सूत्रीय मांग को लेकर पूरा प्रदेश भर में हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? और चरणबद्ध हड़ताल है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तभी 11 तारीख को पूरा रायपुर में पैदल मार्च कर पूरा प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन करेंगे। उनके पश्चात 11 से 13 मार्च को है 13 अप्रैल को पूरा 3 दिवसीय अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन है। उसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो पूरा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा पूरा प्रदेश भर में, पूरा भारत में, कई राज्यों में ये सब मांग पूरा हो चुका है। हमारे ये छत्तीसगढ़ का भूपेश सरकार का अड़ियल रवैया के चलते यहाँ के प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और ये मांग पूरा नहीं होगा तो इनका पछतावा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा।